জঙ্গিদের গুলির হাত থেকে তিন বছরের শিশুকে বাঁচালো জম্মু কাশ্মীর পুলিশ। আজ সকালে সোপোরে সিআরপিএফ পেট্রোলিং টিমের ওপর জঙ্গি হানা হয়। গুলির লড়াইয়ের সামনে পড়ে অন্য একটি গাড়ি। জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ হারান স্থানীয় এক বাসিন্দা। সেই গাড়িতেই ছিল নিহত ব্যক্তির তিন বছরের নাতি। গুলির সামনে থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দেয় জম্মু কাশ্মীর পুলিশ। জঙ্গিমুক্ত ঘোষণার চার দিনের মধ্যেই ফের সংঘর্ষ ত্রালে। পুলওয়ামার বিলালাবাদে জঙ্গিদের খোঁজে শুরু জোরদার তল্লাশি। পুলিশের আশঙ্কা, এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে কমপক্ষে তিনজন হিজবুল জঙ্গি। গতকাল থেকে শুরু হয় অভিযান, কিন্তু রাত নেমে আসায় তা বন্ধ করে দিতে হয়। এলাকা ঘিরে রাখে পুলিশ ও বাহিনী। স্থানীয় মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় নিরাপদ স্থানে। চলতে থাকে গুলির লড়াই। उत्तरी कश्मीर सोपोर के मॉडल टाउन में आज मिलिटेंटों ने घात लगाकर हमला किया। सीआरपीएफ के जवानों पर 179 बटालियन की इस पार्टी पर हमला किया गया, जिसमें एक जवान जो है वो शहीद हो चुका है, उसमें जो पहचान हो गई है दीपचंद वर्मा के रूप में। तो अन्य जो तीन जवान हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको उपचार के लिए 92 बेस अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल इसमें आम नागरिक की भी मौत हो चुकी है। एक जो बच्चा है उसके जो दादा हैं उसकी भी इसमें मौत हो गई है। उसके बाद जिसकी तस्वीर जो हैं पूरे सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई हैं, जिस पर लोग भी अपनी जो हैं आपत्ति जता रहे हैं, काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही हैं। तो विचलित करने वाली ये तस्वीर जो हैं पूरे विश्व में अब पहुंच चुकी हैं, जिसकी काफ़ी निंदा की जा रही हैं। जिस तरीके से ये बच्चा अपने वालिद अपने दादा के साथ किसी चीज़ के लेने के लिए बाहर आया था, कुछ खरीदने के लिए, उसके बाद उस तरीके से वहाँ पर जो हैं फायरिंग हो गई और उसकी मौत हो गई इस जद में आकर। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने बच्चे को बचा लिया और अपने घर पहुंचा दिया, और सीआरपीएफ के जवानों ने इसमें उनकी मदद की। तो कहीं ना कहीं अब उस इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी गई है और मिलिटेंटों की जो है तलाश शुरू कर दी गई है। तो लगातार इसमें अन्य तीन जवान जो हैं वो भी घायल हुए हैं और कुछ सिविलियंस भी घायल हुए हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो लगातार इस तरीके के हमले जो हैं अब किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब मिलिटेंट जो हैं वो इसकी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उत्तरी कश्मीर में कुछ दिन पहले ही एक हमला हुआ था जिसमें दो मिलिटेंट मारे गए थे, और संख्या जो है मिलिटेंटों की 138 जो मिलिटेंट हैं वो मारे गए हैं अब तक जम्मू कश्मीर घाटी में। चाहे वो सीमावर्ती इलाके हैं या फिर उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर के इलाके हैं, उनमें 38 मिलिटेंट जो हैं केवल दक्षिणी कश्मीर के ये शुपियान, कुलगाम, अनंतनाग जैसे ज़िले हैं वहाँ पर भी मारा गया था। तो कहीं ना कहीं जो टॉप हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर जो था मसूद डोडा, उसको भी मारा गया था। उसके बाद जो है डोडा को मिलिटेंसी फ्री घोषित किया गया था। तो कहीं ना कहीं अब जो सवाल उठते हैं वो ये उठते हैं कि जिस तरीके से मिलिटेंट यहाँ पर अपनी प्रेजेंस दिखा चाहते हैं, जो सुरक्षा बल हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस हैं, अब इससे निपटने के लिए जो हैं पूरी तरीके से जुट चुके हैं और इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, ताकि जो मिलिटेंट हैं उनको खोजा जाए। कैमरामैन अशोक के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। সীমান্তে জঙ্গি অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ। আজ সকালে রাজৌরির কেরি সেক্টরে জঙ্গি অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ করে সেনা। সেনার গুলিতে প্রাণ হারালো এক জঙ্গি, উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র।